ईडी ने सोमवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से करीब 10 घंटे तक पूछताछ। लालू पहली बार जांच एजेंसी के सामने पेश हुए। वो सुबह करीब 11 बजे अपनी बेटी मीसा भारती के साथ पटना स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे। हालांकि मीसा को अंदर नहीं जाने दिया गया। ईडी ने लालू से 70 सवाल पूछे। रात करीब 9 बजे लालू यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले। हालांकि लालू खुद को निर्दोष बताकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ते दिखे। मामले के जांच अधिकारी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत लालू का बयान दर्ज कर लिया है। सूत्रों ने बताया कि कथित घोटाले के संबंध में लालू से पूछताछ करने के लिए दिल्ली से ईडी अधिकारियों की एक टीम रविवार को पटना पहुंची थी। केंद्रीय एजेंसी ने 19 जनवरी को लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए नया समन जारी किया था। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन को तोड़ने के एक दिन बाद यानी 29 जनवरी को आरजेडी प्रमुख